अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने आज दो तीन टॉपिक पर बात करनी है। मेन टॉपिक है जी वर्क परमिट, फिर इनविटेशन, उसके बाद जी इंग्लिश कंट्रीज या फिर यूरोप कंट्रीज। ये तीन ऐसे हॉट टॉपिक हैं जो कि डेली बेसिस पे मैं सुनता हूँ। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी यही क्यूरीज होती हैं, तो उनके सवालों के जवाब सारे इस वीडियो में भी मिल जाएंगे। बात करूंगा सबसे पहले दोस्तों वर्क परमिट पे। देखें दोस्तों, अक्सर लोग मेरे पास जो आते हैं वो सारी बात करने के बाद कहते हैं कि जी क्या ये वर्क वीजा होगा, हम वर्क परमिट पे जाएंगे, कौन सी वैकेंसी आती है आपके पास। तो मैं एक चीज बताता चलूं, किसी भी कंट्री का कोई वर्क परमिट नहीं होता। मोस्टली लोग हमारे होते हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, कहीं पर भी कहते हैं हमने वर्क परमिट पे जाना, वैसे जाने का फायदा ही नहीं है, हम यहाँ पे वहां पे जाए क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे जॉब, हमारा वहां पे गुजारा नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो मैं उनको एक चीज पूछता हूँ, आगे से क्वेश्चन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके सामने आपका कोई सगा भाई, यार, दोस्त, रिश्तेदार, करीबी, मिलने जुलने वाला बंदा वर्क परमिट पे कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या कोई भी अच्छे बड़े कंट्री में गया है, तो आगे से मुझे सुनने को मिलेगा नहीं हमारा कोई भी नहीं गया, हमारा कोई यार दोस्त था, फिर उसका आगे से कोई जानने वाला, फिर उसका जानने वाला गया, ये बात सुनी। तो दोस्तों, ये सारी सुनी सुनाई बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातों पे ना जाया करें। कोई वर्क परमिट नहीं होता, जो जितने भी वीजा होते हैं वो सारे सिंपल टूरिस्ट वीजा होते हैं। हाँ, अब यूरोप की जहां तक बात करूं, इसमें कुछ वर्क परमिट जरूर होते हैं, लाइक माल्टा का अगर मैं बात करूं वर्क परमिट होता है, लेकिन वो भी हर बंदे के लिए नहीं है। पहले बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट मिले जरूर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर बंदे को वर्क परमिट नहीं मिलता और वो भी काफी एक्सपेंसिव होता। तो एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर दें, कोई वर्क परमिट नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं जी पोलैंड, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक और लिथुआनिया, इस तरह की सारी बातें सुनने को मुझे डेली बेसिस पे मिलती हैं, ये कोई चीज नहीं होती है। तो सिंपल क्या होता है, टूरिस्ट वीजा पे जाना। अब उनके सवाल का जवाब नेक्स्ट के वहां पे जाके अब करना क्या, हमने तो टूरिस्ट पे जाना नहीं था, तो अब ये क्या हो गया हमारे साथ। भाई टूरिस्ट वीजा जो होता है उस पर आपने जाके वही काम करना जो आप दुबई में करते हो आके या गल्फ में करते हो आके। आप क्या करते हो, जॉब ढूंढते हो सबसे पहले टूरिस्ट वीजा पे आके। जब आपको कोई जॉब मिल जाती है, फिर आप अपने वीजा को कन्वर्ट करवा लेते हो वर्क परमिट के ऊपर। इसी तरह आप कनाडा में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, न्यूजीलैंड में चले जाओ या दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओ, आप अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हो आसानी। कैसे, जॉब फाइंड करनी है उसके बाद आपने कन्वर्ट करवाना है, नहीं उसके बाद या फिर अपने वीजा को स्विच कर लो स्टडी परमिट पे, या फिर स्पाउस वीजा पे कन्वर्ट करवा लो। बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें आप करवा लेते हो अपने वीजा को कन्वर्ट। खैर, ये एक चीज पता चल गई कि आपने टूरिस्ट वीजा लेना है। अब इसकी म्याद कितनी होती है, 5 साल, 10 साल, 1 साल का वीजा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया 1 साल का वीजा देता है, कनाडा 5-10 साल का वीजा देता है, दे देता है, डिपेंड्स ऑन योर पासपोर्ट वैलिडिटी। और अमेरिका 5 साल का भी वीजा देता है और इंडियन को 10 साल का वीजा देता है। ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो बात करूंगा वो दोस्तों आ जाती है सिंपल इन्विटेशन के ऊपर। इन्विटेशन पर अप्लाई किया जाए वीजा या फिर नॉर्मल वीजा प्रोसेस किया जाए। देखें, इन्विटेशन पर नो डाउट आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं चांस अगर नॉर्मल प्रोसेस के साथ कंपेयर किया जाए। लेकिन इनविटेशन होगा कौन सा, कौन बंदा भेजेगा, किसका एक्सेप्टेबल है? देखें, आप अगर कोई पर्सनल ब्लड रिलेशन पर्सन है वो अगर आपको इनविटेशन भेजता है तो उसमें वीजा लगने के बड़े अच्छे चांसेस होते हैं। अगर आपको कोई बंदा ऐसा भेज रहा है जो कि आपको जानता नहीं, आप कहते मेरे यार दोस्त है मेरा, कोई भी मिलने जुलने वाला है, तो भाई दोस्तों उसका इनविटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, रिफ्यूज हो जाएगा। लगा सकते हो, अप्लाई हो जाएगा वीजा, लेकिन रिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, अब किस तरह के इनविटेशन के ऊपर वीजा अप्लाई होता है? देखें दोस्तों, दूसरी जो ऑप्शन आती है वो आती है बिजनेस इनविटेशन की। अब लोग कहते हैं हमारा तो वीजा यहाँ पे नॉर्मल है, हम कैसे बिजनेस। दोस्तों, आप बिजनेस करने नहीं जा रहे हो, वो जो बिजनेस वीजा वो दूसरी कैटेगरी होती है, उसको अपने साथ कंपेयर मत करें। ये आ जाता है सेमिनार का, किसी कॉन्फ्रेंस का, किसी मीटिंग का, तो कोई भी बंदा उसमें अटेंड होके जा सकता है। उसको बिजनेस वर्ड दिया गया बिजनेस इनविटेशन को। उसमें होता क्या कि आप किसी भी सिटी से, किसी भी जगह से जो सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां से इनविटेशन अरेंज करके मंगवा के उसमें अपेयर हो जाते हो, उसमें चले जाते हो और पर्पस शो करते हो कि भाई हमने इस खास पर्पस के लिए, इस खास मीटिंग के लिए उस जगह पे जाना है, तो हमारा पर्पस ये। वो होता है सिंपल टूरिस्ट वीजा या प्लस आपकी थोड़ी सी कैटेगरी चेंज होती है, आपका थोड़ा सा पर्पस चेंज होता है, तो आप चले जाते हो। लाइक कनाडा या फिर मैं अमेरिका वीजा की बात करूं, अमेरिका वीजा जब आप वीजा अप्लाई करते हैं B1 B2 कैटेगरी ही होता है, लेकिन उसमें आपने B1 में वीजा जब अप्लाई करना, वो बिजनेस इनविटेशन पे आप बिजनेस वीजा अप्लाई हो रहा था, लेकिन जब वीजा लग के आता है वो B1 B2 कैटेगरी का ही होता है, और उसकी सेम टू सेम B2 जैसी ही सारी चीजें होती हैं। आप
कभी उस पर B1 में चले जाओ या B2 में चले जाओ, सेम टू सेम वीजा होता, कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ आपने क्या किया, अपना थोड़ा सा चेंज किया कि मेरा पर्पज वहां पे कुछ मीटिंग का था या फिर कॉन्फ्रेंस का था। सेम इसी तरह जब कनाडा वीजा अप्लाई होता है, कनाडा में भी जो आपको वीजा मिलता है वो V1 कैटेगरी होता है, जो कि इनविटेशन पे आप अप्लाई करो या नॉर्मल टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो वो नॉर्मल टूरिस्ट वीजा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पर्पस चेंज हो जाता है। सेम इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया कोई भी कंट्री है, इसी तरह सिंपल होता है। अब ये चीज़ क्लियर होगी हमारी कि वर्क परमिट, इन्विटेशन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। अब एक और लास्ट टॉपिक में बता दूँ, हाँ जी, इंग्लिश कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज, मोस्टली लोग आते हैं वो कहते हैं हम शेंगेन के लिए इंटरेस्टेड हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप शेंगेन के करीब तीन कोई कंट्री है वहाँ पे भी उतार देंगे तो एक्सेप्टेबल है। तो मैं उनको कहता हूँ यार आप क्यों नहीं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वीज़ा अप्लाई करते, अच्छे कंट्री में जहाँ पे आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाए और सब कुछ। वो एक कहते हैं कि जी हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, हम डॉक्यूमेंट्स अच्छा बनाना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई ये जो कंट्रीज हैं ये भी जल्दी डॉक्यूमेंट बनाने वाली कंट्री है। लाइक कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में डॉक्यूमेंट्स 3 ईयर्स में बन जाते हैं, पुर्तगाल में भी आप बनाते हो 5 साल लग ही जाते हैं आपको मिनिमम टू मिनिमम कि आप नेशनलिटी, PR और पासपोर्ट के लिए एलिजिबिलिटी। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए या फिर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो ये सब कंट्रीज भी आपको पासपोर्ट देते हैं, PR, नेशनलिटी वगैरह देते हैं। तो आप इन कंट्रीज, अच्छे कंट्रीज को चूज करें, ना कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पब्लिक है और वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही या फिर आप अपने कंट्री से निकाल रहे हैं या फिर सैलरी वेजेस कम है। यूरोप की नॉर्मल सैलरी की बात की जाए तो 800 से 1100 1200 यूरो तक है। अगर यही हम नॉर्मल सैलरी की अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात की जाए तो मिनिमम सैलरी भी $3,000-4,000 तक आती है, जो मिनिमम स्टार्टिंग होती है, इससे ज़्यादा लोग कमाते हैं। तो आपने खुद चूज़ करना है कहाँ पे आपने जाना है। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ, सबसे अच्छी वीज़ा रेशो इस टाइम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की है। बाकी यूरोप की बात की जाए उनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी नहीं है। तो गाइस होपफुली आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई मैं फिर नई वीडियो बनाकर उसमें तमाम चीज़ें अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।